कृषि उपज मंडी विजयनगर के कृषि विपणन बोर्ड संभागीय कार्यालय कटंगा में शुक्रवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब लोकायुक्त ने रेड कर दी। दुकान मूल्यांकन मद परिवर्तन करने के एवज में उपयंत्री ने आवेदक से 35,000 रूपए की मांग की थी। आवेदक रिश्वत की रकम लेकर कार्यालय पहुंचा, जिसके पीछे लोकायुक्त की टीम भी पहुंच गई। रिश्वत की रकम लेते हुए टीम ने उपयंत्री को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। संदीप सुहाने पिता बालकिशन सुहाने उम्र 48 साल निवासी न्यू मिलोनीगंज ने लोकायुक्त में शिकायत की थी कि उपयंत्री रमाशंकर अग्निहोत्री कार्यालय कृषि उपज मंडी विजयनगर जबलपुर मूल विभाग कृषि विपणन बोर्ड संभाग कार्यालय कटंगा ने मंडी में निर्मित दुकान का मूल्यांकन और मद परिवर्तन करने के एवज में 35,000 की मांग कर रहा है। लोकायुक्त ने युवक की शिकायत पर प्रकरण जांच में लिया। शुक्रवार सुबह लोकायुक्त की टीम कृषि कार्यालय पहुंची और रिश्वतखोर उपयंत्री को 35,000 के साथ गिरफ्तार किया। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। आवेदक संदीप सुहाने जो मिलोनीगंज में रहते हैं और मंडी में उनकी दुकान उन्होंने खरीदी है, प्लाट खरीद के निर्माण किया है, उनका वैल्यूएशन होना था और दुकान चूंकि गल्ला मद की थी तो उसको परिवर्तन होना था सब्जी मद में कि सब्जी विक्रय कर सकें उसमें। उसके लिए यहाँ के जो उपयंत्री हैं आरएस अग्निहोत्री रवि रमाशंकर अग्निहोत्री, इन्होंने उसके 35,000 रुपये की उनकी मांग की थी। दिनांक 26/10/2021 को ये आवेदक संदीप सुहाने पुलिस अधीक्षक श्री संजय साहू के समक्ष उपस्थित हुए थे और अपना आवेदन प्रस्तुत किया था कि इनके द्वारा 35,000 रुपये की मांग की जा रही है। इसका सत्यापन कराया गया और आज पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में रमाशंकर अग्निहोत्री उपयंत्री किसी उपज मंडी समिति विजयनगर को 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया।